एक दिन क्या हुआ, एक किसान की पत्नी ने किसान को कहा कि देखो मुझे सोने के गहने चाहिए, मुझे सोने के गहने लाकर दो, कहीं से भी लाकर। किसान कहने लगा इस बार थोड़ी कम फसल हुई है, बड़ा नुकसान हो गया, धान गेहूं में बारिश ना होने के कारण धान हुआ नहीं, तो इस बार रुक जाओ, अगले साल दिला दूं। बोले चंपा के पति इतना प्यार करते हैं, उसको कानों के कुंडल दिलाए हैं। वो चमेली है ना अपनी, उसके पति इतना प्रेम करते हैं कि उसके लिए सोने के कंगन लाए हैं। वो जूही है ना जूही, जूही के पति इतना प्रेम करते हैं कि उसके लिए बनारस से मोटी मोटी पाजेब और बनारसी साड़ियां लाए। एक तुम हो, 3 साल से कह रही हूँ सोने के गहने बनवा दो, सोने के गहने बनवा दो, 3 साल से कह रही हूँ पर कुछ लाते नहीं। अगर इस बार गहने नहीं मिले तो मैं मायके चली जाऊंगी, 2 साल से कहती आ रही, 3रे साल तो धमकी दे डाली, अगर इस बार सोने के गहने नहीं दिए करवा चौथ के पहले तो मैं मायके चली जाऊंगी। अब ये कहने लगी मायके चली जाऊंगी, जैसे बात सुनी किसान बड़ा दुखी हो गया। थोड़ा सा 2-4 एकड़ खेत था, सुबह बैलों की जोड़ी लेकर खेत जोतने जाता था, बीज बोता था। अब किसान को क्या हुआ, सोचने लगा अगर ये मायके चली गई तो अभी तो सुबह उठकर बैलों को लेकर जाता हूँ, लौट कर आता हूँ तो थाली भर भोजन मिल जाता है, मायके चली गई तो भोजन भी नहीं मिलेगा, और सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता है तो स्कूल का टिफिन भी मुझे ही बनाना पड़ेगा, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ना, टिफिन बनाना, उनकी देखभाल करना, खेती तो चौपट ही हो जाएगी। तब तो 2-3 साल क्या, 4-5 साल लग जाएंगे, मैं इसके गहने नहीं बनवा सकता। तो मायके तो नहीं जानी चाहिए, ये जा कर के बैठ गया, देख तू मायके जाने की धमकी मत दे, इस बार कुछ करता हूँ। मन में सोचता सोचता खेत गया, खेत में भी मन नहीं लगा क्योंकि मन पे बोझ है, पत्नी गहने मांगती है, इस बार नहीं दिलाए तो मायके चली जाऊंगी। इसने सोचा जब दुख आता है, विपत्ति आती तो लोग कहते गुरुजी से पूछ लेना, तो क्यों ना मैं गुरुजी से पूछ लूं। अपने गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव से कहा गुरुजी ऐसी ऐसी बात है क्या करूं। अब गुरुजी फक्कड़ संत, एक कॉपीन, एक लंगोटी, एक लोटा, एक सोटा, एक पोथी, एक पत्रा, एक माला, एक झोली, जैसे सुदामा जी के पास। संतोषी ब्राह्मण थे, चुपचाप कुटिया बनाकर रहते थे, अब गुरुजी के पास ज्यादा होता तो वो भी दे देते। गुरुजी ने एक युक्ति बता दी कान में, कहा इसको किसी को बताना नहीं, ये उपाय करो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। गुरुजी कान में युक्ति बता दिए, ये खुशी खुशी शाम को बैलों की जोड़ी लेकर आया और खाली हाथ नहीं आया, ये मार्केट से बाजार से होता हुआ आया और अपनी पत्नी को बुलाया, देख तू कैसी है। बोले पहले ये मत पूछो मैं कैसी हूँ, मैं तो ठीक हूँ, ये बताओ गहने लाए कि नहीं। बोले खेत में गहने थोड़ी उगते हैं, वहाँ तो फसल उगती है, कहाँ से लाता, देख रहा है कि काम चल जाए अगर तो बोलती है कि अच्छा तो ठीक है, मैंने सामान पैक कर लिया, बच्चों को तुम संभालो मैं जा रही हूँ। अरे रुक तो बावरी मत जा, मैं ले आया हूँ तेरे लिए गहने, और अपनी पोटली खोल दी और पोटली में ये तो मांगती थी कानों के कुंडल और गले का हार, बस दो ही चीज मांग रही थी, और ये कानों के कुंडल, गले का हार और हाथों के कंगन भी ले आया, 3 सेट ले आया। इसने देखा बड़ी खुश हो गई, वाह मेरे लिए गहने आ गए, बड़ी खुशी खुशी सीसी के सामने जाकर गले में पहनती, कान में लगा के देखा, हाथ में, अरे बिल्कुल फिट आ गए, ये तो बड़े अच्छे, तुम मुझे कितना प्रेम करते हो। बोले हाँ पगली, तू ऐसे ही मायके जाने की कह रही थी, मैं तो अब तो मैं सबको बताऊंगी कि मेरे पति भी मुझे प्रेम करते, देखो इतने गहने ला दिए मुझे। बोले तो तू मेरे गहनों से मेरे प्रेम की तुलना करेगी, मैं तो तुझे प्रेम करता हूँ, तो गहने आते जाते रहेंगे। बोली नहीं, अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि आप मुझे प्रेम करते हो, लेकिन अगर तुझे पक्का विश्वास है तो मेरे उस प्रेम की खातिर तू मेरी एक बात मान ले। बोले क्या मानना है, एक शर्त है, इन गहनों को तब दूंगा कि तू मुझे वचन दे। क्या वचन, कि तू किसी को भी बताएगी नहीं इन गहनों के बारे में, अगर किसी को बता दिया तो चोर उचक्कों के कान खड़े हो जाएंगे, वो चुरा ले जाएंगे, चोरी हो जाएगी, घर झोपड़ा टूटा हुआ है, छोटा सा घर है, इतना मजबूत नहीं है, तो चोरों के कान तक बात गई तो चोरी हो जाएंगे, इसलिए तू किसी को बताना नहीं, बस इतनी सी बात मानी। अब बताइए किसी स्त्री को, किसी बहू को, किसी
किसी पत्नी को ज्वेलरी मिले नई, अच्छी यूनिक ज्वेलरी, और वो किसी को ना बताए अपने जेवर गहनों के बारे में, तो फिर क्या फ़ायदा जेवर का, क्या फ़ायदा। एक बुढ़िया थी, उसने पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर दो जोड़ी कंगन बनवाए, मोटे मोटे दो जोड़ी कंगन बनवाए और पहनकर कंगन कुर्सी डालकर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठ गई। सुबह से शाम तक ऐसे जालौन नगर के वासियों की तरह बहुत लोग निकले, एक ताऊ तो दो तीन बार निकले, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। अब ये दुखी होकर के सोने के कंगन के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, दुखी होकर बुढ़िया ने अपनी झोपड़ी में आग लगा दी। अब झोपड़ी में आग लगाई तो एक ने कहा, अरे जल गई बुढ़िया की झोपड़ी जल गई, किसमें रहेगी ठंडी में। सब दौड़े बाल्टी लोटा लेकर और बुझाने लगे, कुएं से जल भर भर के, हैंड पाइप से जल भर भर के बुझाने लगे झोपड़ी। तो बुढ़िया आगे खड़ी हो गई और बार बार कहती, इधर से बुझाओ, इधर से बुझाओ, ये इधर भी बुझाओ, इधर जल रहा, बार बार हाथ आगे करते। एक ताऊ बूढ़ा था, उसने बोला, अरे काकी ये कंगन कब बनवाए, अरे काकी ये कंगन कब बनवाए, लगता है नए नए बनवाए। बुढ़िया ने माथा पीट कर बोला, पहले पूछ लेते, तीन बार गए थे तो झोपड़ी काहे को जलाता, यही बात पहले पूछ लेते तो। कोई स्त्री गहने ले ले और किसी को ना बताए, ऐसा हो सकता है क्या? कोई अच्छी चीज मिले और उसने कहा, पेट में दर्द होने लगा सुबह से शाम तक, किसान तो खेत पे चला गया, इसने संदूक में गहने रख दिए, सोचती बताऊं कि ना बताऊं, बताऊं कि ना बताऊं। फिर सोचने लगी, मेरी एक खास सहेली है जिसको अपने पेट की सारी बातें बताती हूँ, उसे बता देती हूँ। अपनी खास सहेली को बुलाया इसने और बोला, देख मेरे पति कितना प्यार करते हैं, मेरे लिए गहने लाए, मैंने तो कानों के कुंडल और हार मांगा था, ये हाथों के कंगन भी ले आए, कानों के कुंडल, गले का हार, हाथों के कंगन सब ले आए, देखो कितना प्यार करते हैं तेरे जीजा जी। अब ये बड़ी खुश हो गई, हाँ बात तो सही है, बड़े सुंदर हैं गहने, अच्छा तू संभाल के रख दे, देख मैंने तुझे बता दिया है ना, तू मेरी खास है ना, इसलिए मैंने तुझे बता दिया, अब तू मुझसे वचन दे, मुझे वादा कर कि तू किसी को नहीं बताएगी। उसने कहा, मैं तो तेरी खास हूँ ना, मैं तो किसी को नहीं बताऊंगी, मैं क्यों बताऊंगी। और हुआ क्या, उस महिला ने, उस स्त्री ने जो सखी ने वादा किया था किसी को नहीं बताऊंगी, सुनो, उस सखी के भी, उस सखी की भी एक खास सहेली निकल आई। उसने सोचा किसी को नहीं बताती, चलो अपनी खास सहेली को तो बता दूं। अब उस खास सहेली को उसने बता दिया, देख वो ना किसान है ना दिवाकर, उसने अपनी पत्नी के लिए बड़े सुंदर गहने बनवाए हैं, हाथों के कंगन, गले का हार, कानों के कुंडल, अच्छा पर तू किसी को बताना मत। उसने बेचारी ने भरोसा करके मुझे बताया है और मुझे मना किया था, पर तू तो मेरी खास है ना, इसलिए बता दिया, तू किसी को मत बताना। अब वो तीसरी वाली सहेली की भी एक खास सहेली निकल आई, तीसरी सहेली की भी एक खास सहेली निकल आई। उसने अपनी सहेली को फोन लगा दिया, बोले क्यों फोन किया, बोले अरे क्या बताऊं, वो दिवाकर है ना, उसकी पत्नी को उसने गहने दिलाए, क्या गजब के गहने, कितने लग रहा है, 10-12 तोले के होंगे, कम से कम 10-12 तोले का तो हारी, 3-4 तोले की कुंडल है और 8-10 तोले के कंगन है उसके, 5-5 तोले के, बहुत मोटे, बहुत सुंदर, अच्छा। अब बढ़ा चढ़ा करके, अब उसने कहा, लेकिन सुनना, तू मेरी खास है ना, तो मैंने तुझे बता दिया, तू किसी को मत बताइयो। ऐसा करते करते उस सहेली की भी एक खास सहेली निकल आई। संसार ऐसा ही है भैया, प्याज के छिलकों की तरह, एक एक उतारते रहो, उतारते रहो, उतारते रहो, लास्ट में कोई फल नहीं मिलने वाला। प्याज का छिलका जैसे उतर जाता है ना आंखों में, लगता है ऐसे कदली के वृक्ष की तरह, एक एक उसका छिलका उतारते रहो, लास्ट में कुछ नहीं बचने वाला। तो इसने क्या किया, इसकी भी एक खास सहेली निकल आई। और ऐसे करते करते माताओं, पूरे गांव में ये बात फैल गई कि उस किसान ने अपनी पत्नी को सोने के गहने दिलाए। एक दिन ये संदूक में गहने बंद करके, अभी 10-5 दिन ही हुए हैं, संदूक में गहने बंद करके डिब्बे में रख के, अलमारी में रख के पानी भरने चली गई, क्योंकि थोड़ी दूरी पर हैंड पाइप था।
वहां पानी भरने गई, जब तक ये पानी चला कर लाती तब तक तो चोर आकर के झोपड़े को तोड़कर और इसके गहने चोरी कर ले गए। गहने चोरी हो गए, ये लौट कर आई तो संदूक खुली पड़ी, अलमारी खुली पड़ी, डब्बे टूटे पड़े, घर का झोपड़ा टूटा। बड़ा दुखी हुई और रोने लगी, हाय मैं लूट गई रे, बर्बाद हो गई, मेरे सारे गहने चोरी चले गए, अब मैं क्या करूं, मेरा सब कुछ लूट गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। रोने लगी, रो रो कर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। सारे गांव वाले आकर खड़े हो गए, बोले तू रोती क्यों है, इतना क्यों रोती है? बोले मेरे सोने के गहने चोरी हो गए। अब जिस जिस को बताया था वो सब कहने लगी, हाँ गहने तो थे इसके पास, चोरी हुए। कि कुछ लोगों ने कहा, किसान के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि इतने कीमती गहने बनवाता? किसी ने कहा, अगर चोरी हुई तो किसान को दुख क्यों नहीं, किसान तो है ही नहीं। कुछ लोग बाइक पर बैठकर किसान को ढूंढने गए तो खेत में हल चला रहा था। अरे किसान भैया सुनो, तुम्हारे घर में चोरी हो गई, तुम्हारी पत्नी ने पूरे गांव को सिर पे उठा रखा है, चलो बहुत बड़ी चोरी हुई है तुम्हारे घर में। किसान ने सुना ही नहीं, अनसुना करके अपना काम करता रहा। लोगों ने कहा, भैया तुम्हारे घर में इतनी चोरी हुई, इतनी बड़ी, और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा? ससुराल से मिले थे क्या, कहीं पड़े मिले थे क्या गहने? और अगर ससुराल से भी मिले थे तो तुम्हारे, तो तुम दुखी क्यों नहीं हो रहे? उसने कहा, अच्छा तो तुम चाहते हो हम दुखी हो? बोले तुम्हारी पत्नी इतना दुखी, पर तुम्हारे चेहरे पर कोई सिकन भी नहीं। किसान ने अपना काम रोक दिया और बैलों के साथ साथ उस आदमी के साथ साथ वापिस आया तो देखा उसकी पत्नी सिर पीट पीट कर, बाल नोच नोच कर, छाती पीट कर रो रही थी, हाय मैं लुट गई, मेरे गहने चोरी हो गए, काश मैं अपनी उस सखी को न बताती। पति ने पूछा, किसको बताया था, उसको बुलाओ, वो तो नहीं ले गई? उसको पूछा तो बोले मैंने किसी को, बोले तुमने किसी को बताया? बोले मैंने हाँ अपनी खास को बताया था। बोले तुमने? बोले मैंने भी अपनी खास सहेली को बताया था। लंबी कतार, कम करीब 1000 माताओं की खास, सब एक दूसरे की खास होती है। कोई बात का प्रचार करना हो तो किसी माता के कान में कह देना कि ये बताना नहीं किसी को, और जो कहोगे कि बताना नहीं वो बात बहुत जल्दी फैल जाएगी, देख लेना। तो भैया हुआ क्या, ये गुण भी है और अवगुण भी है, दोनों ही है। एक दूसरे तक बात पहुंच गई, किसी को कोई दुख है वो भी पहुंच गया, किसी को कोई सुख है वो भी। किसी के बेटा हुआ है, अरे वो ना पड़ोसी के हमारे बेटा हुआ, अच्छा बेटा हुआ, अच्छा अच्छा, तो उसने कहा दूसरे को, अरे वो मेरी जो सहेली है ना किरण, उसके बगल में बेटा हुआ है किसी को, अच्छा अच्छा, तो नाम क्या? बोले नाम तो मुझे भी नहीं पता। उसने आगे कह दिया, वो सुमेधा है ना, उसने कहा था कि किरण के पड़ोस में बेटा हुआ है, अब पता ही नहीं कि बेटा हुआ भी है या नहीं। धीरे 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 लंबी कतार पहुंच गई। अब कुछ लोग पहुंच गए वहां देखने, बोले बेटा हुआ है तो बधाई देने चलते हैं। पहुंचे तो बोले बेटा नहीं हुआ है, भैंस को एक पांडा हुआ है, भैंस ने बच्चा दिया है, बेटा नहीं हुआ है। बोले वो तो कह दिया था, लेकिन वो पहुंचते पहुंचते बात बेटे तक पहुंच गई, किसी ने कहा था कि उनके घर में कुछ हुआ है, अब कुछ हुआ है तो बेटा ही हुआ होगा, जिसने पहली महिला ने जो कहा तो बेटा ही हुआ होगा। और धीरे धीरे लोग बधाई देने आने लगे तो पता चला असलियत तो ये भी है कि असली कुछ नहीं है, बस असली दिखता है। इसी तरह से जब उसके गहने चोरी हो गए, सब गांव वालों ने पूछा, भैया तू क्यों नहीं रोता, तेरी पत्नी क्यों रोती है? तो वो सब किसान ने शांति से कुर्सी पर बैठकर पहले जल पिया, उसके बाद बोला, ये उन गहनों को असली जानती है इसलिए रोती है, और मैं उन गहनों की असलियत जानता हूँ इसलिए नहीं रोता। दरअसल वो गहने सोने के थे ही नहीं, थे पीतल के, बस सोने का पानी चढ़ा था। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।